सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज, वीडियो का टाइटल थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे यार आज हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो गाइज, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज, इस वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देख लेना। बाकी चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो गाइस, पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है? तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। यहाँ पे मॉडल को लेने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप सभी को साइड में लगा देना है। एंड उस साइड में जगह छोड़ देनी क्योंकि अभी हमें पांडा का पीएनजी भी लगाना है। तो उसके बाद जाएंगे हम दोबारा एड फोटो में, एंड ये पीएनजी ले लेंगे, ठीक है? एंड इस पीएनजी को लेने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा इसको पांडा को थोड़ा सा छोटा करके एंड अपने मॉडल के बगल में लगा देना है, ठीक है? कुछ इस टाइप से। एंड अभी डन नहीं करना है, अभी हमें लेना है यहाँ से एक शैडो का पीएनजी। तो गाइस, यहाँ से हमने जो शेडो का पीएनजी ले लिया है, एंड शेडो जो गाइस आप सभी को कैसे लगाना मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे जो है ना आप सभी को कुछ शेडो को ऐसे नीचे रख देना है, एंड यहाँ पे आप सभी को इसको डाउन कर देना है, ठीक है? ये आपके मॉडल के नीचे एंड वो पांडा के नीचे चले जाएगा। एंड डुप्लीकेट करके आप सभी को दूसरी सारवेंद्र भाई के पास यहाँ पे ले जाना है इस शेडो को। एंड उसके बाद आप सभी को इसको डाउन कर देना है, ठीक है गाइस? तो इसको मैं यहाँ पे पहले वापस से ऊपर ले आता हूँ, एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा डाउन करके एंड उसके बाद जो इसके साइज को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो शेडो एकदम परफेक्ट लग रही है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे हमारी शेडो जो है सब कुछ यहाँ पे रेडी है। तो आपसे का ड्रॉ टूल का काम भी यहाँ पे मैंने आपको एक सीधा पीएनजी में बता दिया। तो यहाँ पे डन कर देना है, एंड उसके बाद अब आप सभी को करना है क्या, यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये लाइट का पीएनजी ले लेना है, ठीक है? एंड इसको स्क्रीन करके आप सभी कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना, जो गाइस बीच में आप सभी को दिख रहा होगा वहाँ पे लाइट का पीएनजी, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे मॉडल के ऊपर एंड हमारे पांडा के ऊपर आए। तो इसके लिए आप सभी को मैंने पीएनजी लेने को बोला, एंड इसके बाद आप सभी को उसको थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देनी है, ठीक है? तो गाइस, आप सभी को लग रहा होगा इसके मतलब कि ओपेसिटी से मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो गाइस देखिए, मैंने आप सभी को इसमें बिफोर एंड आफ्टर करके भी दिखा दिया है। तो यहाँ पे डन कर देना आप सभी को। अब उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से जाना दोबारा से ऐड फोटो में, एंड आप सभी को मिलेगा ये टेक्स्ट पीएनजी, ठीक है? तो इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो उसको आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है? तो आप सभी को थोड़ा सा कैसे करके लगाना है तो मैं आप सभी को बताता हूँ। गाइस देखो, डायरेक्ट ऐसे छोटा करके नहीं लगाना है, आप सबको इस साइड में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर करके ऐसे लगाना है, ठीक है? कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है? एंड उसके बाद जाना आप सभी को दोबारा से ऐड फोटो में, एंड आप सभी को ये ब्राइटनेस है जो ये शेडो का, मतलब शेडो नहीं है ब्राइटनेस है गाइस, ठीक है? तो आप सभी को जो इसको ले लेना है, एंड इसके यहाँ पे कुछ स्टेप्स लगा के डन कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद जाना आप सभी को फिर टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आप सभी को इसको ब्राइटनेस को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, रिजर्व टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है, एंड साइज को थोड़ा छोटा करके, एंड जो है हमें यहाँ पे पांडा की बॉडी इसके ऊपर हमें करना है डोजर बन कुछ इस टाइप से, ठीक है गाइस? तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से कर लेना है। एंड गाइस, इसे ये करने से होता क्या है गाइस, मैं आप सभी को अभी दिखाता हूँ आप सभी को, मतलब ये करने के बाद। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसके पैरों के ऊपर भी कर देता हूँ, एंड जो वाइज इसका जो पांडा का जो व्हाइट पार्ट है ना गाइस, वहाँ पे आप सभी को इसे डोजन बन नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि यार वहाँ पे ना थोड़ा अलग से लगेगा ये, तो वहाँ पे करना आप, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि इसके जो नेक है यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं। एंड उसके बाद जो आप सभी को करना है, जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेंट हो गया मेरे पॉइंट लग गए यहाँ पे, ठीक है? तो इसको मैं पहले यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आप सभी को करना क्या है। अब यहाँ पे जो आप सभी को सिंपली थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा के, ठीक है, अराउंड 25 तक रख के, एंड यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है? एंड उसके बाद अगेन आप सभी को सेम वही करना है, टूल्स में जाकर एडजस्ट में जाना है, एंड इसकी जो एक्सपोजर है इसको ऊपर इधर बढ़ाना है, एंड इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है, इसके साइज को थोड़ा छोटा करके, एंड आप सभी को करना है सारवेंद्र भाई के ऊपर, ठीक है? अब उसके बाद कुछ इस टाइप से, तो थोड़ा यहाँ पे मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। एंड यहाँ पे कर देने के बाद आप सभी कुछ इस टाइप से एक पेंट यहाँ कर देना है, और एक पेंट हम इस वाले हाथ पे कर देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे कर देने के बाद एक हम यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे कर देने के बाद एक यहाँ पे आप सभी को पेंट कर देना है, ठीक है, शोल्डर वगैरह पे। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे भी एक इस शोल्डर पे भी कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ना जॉइन नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो आप पेंट करते हो ना वो जॉइन नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी भी मतलब कि जो आपने पहले कर चुके हो ना पेंट, वहाँ पे जॉइन नहीं होना चाहिए। बस आप सभी को कुछ ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे कर देने के बाद आप सभी को एक पेंट मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, और एक यहाँ पे चेस्ट के पास भी यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है? इतना कर देने के बाद यहाँ पे जो है एक्सपोजर को कुछ अराउंड आप सभी को 10-12 तक रखना है, ठीक है? एंड यहाँ पे आप सभी को इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे जो मतलब साइड में थोड़ा सा और हो गया पेंट, तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे आपसे भी हो जाए गलती से तो आप भी इरेज कर लेना, बाकी यहाँ से हम अभी करते हैं डन, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे हमारा इतना हो चुका है। अब आती है गाइस हमारे फेस के ऊपर करने की बारी, ठीक है? तो हम यहाँ से जाएंगे वापस से टूल्स में, फिर एडजस्ट में, फिर ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, एंड यहाँ से रिजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश के साइज को यहाँ पे छोटा कर लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फेस के ऊपर करना है, ठीक है? कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा साइज ज़्यादा छोटा हो गया, तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड कुछ इस टाइप से एक पेंट यहाँ कर लेंगे, एक यहाँ कर लेते हैं, एंड एक नोज़ के ऊपर कर लेते हैं, एंड एक यहाँ पे चिन के पास कर लेते हैं अपने, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसके इसका ओपोसिटी को कुछ अराउंड 5-7 तक यहाँ पे रखना है, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे कर देना है डन।
एंड इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को एक लास्ट पीएनजी और सॉरी लास्ट नहीं गाइस, अभी एक इसके बाद एक पीएनजी और है, तो ये पहले हम ये पार्टिकल्स की पीएनजी ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक पीएनजी और है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देंगे एंड इसके बाद जो इसका ब्लाइंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे एंड इसके बाद जो आप चाहो तो उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, अराउंड 60-50 तक रख लेना, ठीक है। 50 तक रख लेने के बाद आप सभी को फिर यहाँ से इरेजर टूल में जाकर जो फेस के ऊपर एरिया आ रहा हो ओनली फेस के ऊपर वहाँ पे इरेज कर देना है एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को अभी यहाँ पे जो है एक पीएनजी जो कि लास्ट है उस पीएनजी को लेना है, ठीक है। तो ये पीएनजी है, इसको ले लेना है एंड गाइस आप सभी को इसको ऐसे नहीं लगाना है, पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है एंड उसके बाद आप सभी को इसको पूरा फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। जो लास्ट की जो दो तीन लाइन है ना सिर्फ वो देखनी चाहिए हमारे इसके ऊपर जो फोटोज के ऊपर, बस वही दिखनी चाहिए। देखो आपको मैं ओपेसिटी कम करके दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये लाइन है, तो ये ऐसे लगेंगे तो यार ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप सभी कुछ इस टाइप से लगाना है, ठीक है, इस पीएनजी को, और इसको ऐसे लगा देने के बाद थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी को ऐसे करके एंड यहाँ से डन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डन कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको अब हम ना इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड चलते हैं अब इसकी हम कलर करेक्शन करते हैं, ठीक है। तो कलर करेक्शन में तो यार जादू हो जाएगा इस फोटो के ऊपर, तो यहाँ पे जो है हम चलते हैं लाइट रूम ऐप में, ठीक है। तो यार जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है ना, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी सबसे पहले मिले। तो चले गए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब हम इस फोटो को यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके कॉन्ट्रास्ट को आप सभी को बढ़ा देना है एंड हाईलाइट है जो इसको भी आपको इंक्रीज कर देना है, शेडो को है इसको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड जो व्हाइट है आप सभी को इसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है, व्हाइट को थोड़ा सा कम कर देना, ब्लैक को आप सभी को थोड़ा इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद जाना कलर्स में, वाइब्रेशन को आप सभी को थोड़ा बढ़ा देना है, जो टेम्परेचर है इसको हल्का सा माइनस कर देना है, ठीक है। कितना माइनस कर रहा है, अराउंड आप सभी को -8 तक रखना है एंड उसके बाद मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देना है, चाहो तो ल्यूमिनस को बढ़ा सकते हो, बाकी आपके फेस पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद जाना आप सभी को येलो कलर में इसके ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को प्लस कर देना है, फिर जाना ब्लू कलर में इसके ह्यू को माइनस में कर देना है, सैचुरेशन को प्लस में कर देना है एंड उसके बाद जो पिंक पर्पल कलर है आप उसके आपके टेक्स्ट पीएनजी में अगर आप चाहो तो ब्लू कलर कर सकते हो इसको, ठीक है, ह्यू को छेड़ के। बाकी आप सभी को जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को इंक्रीज कर देनी है एंड फोटो में जो है इसमें विग्नेट डालना है, ठीक है, विग्नेट का जो है अलग ही कमाल है इस फोटो में, तो विग्नेट डालना है आप सभी को एंड थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो ग्रेन अमाउंट दिखेगा, इसको बढ़ा देना है, इसको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको बढ़ा देना है एंड जो नोड रिडक्शन है हल्का सा बढ़ाना है, ठीक है, हल्का हल्का बढ़ाना है एंड जो कलर नोड रिडक्शन है इसको भी हल्का हल्का बढ़ाना है, क्योंकि ये ज्यादा हो जाता है ना तो फोटो में मतलब कि अलग ही क्लियरिटी चीज़ें गायब हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, तो गाइस आप सभी को बिफोर एंड आफ्टर दिख रहा होगा। तो गाइस यार अगर सच में आप सभी को यार वीडियो पसंद आई हो ना, तो यार प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर करने में यार ज़्यादा कंजूसी मत करना, तो प्लीज़ यार शेयर कर देना एंड बाकी यार आप सभी को अगर मतलब कि और वीडियोज़ देखनी हो तो आप सभी को इन दो वीडियो में से आपको दो जोन से भी अच्छी लग रही हो इन दोनों से आप किसी पर भी क्लिक कर लो, क्योंकि दोनों ही वीडियो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी सीख मतलब कि आप देख के आप सीख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई वीडियो देखनी हो तो मेन चैनल के ऊपर आप जाके मेरे देख सकते हो, चैनल के लोगों पर क्लिक करो और वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय।